ये बिस्किट आया है, ये बिस्किट सो हे गाइस सलाम नमस्ते और कैसे हो आप लोग। तो गाइस स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग एलबीएलई ब्लॉग चैनल में। सो गाइस आज ब्लॉग बनाने का एक अलग ही कारण है भाई, क्योंकि आज एक स्पेशल डे है, बिल्कुल स्पेशल डे है हमारे लिए और सबके लिए स्पेशल डे है गाइस, क्योंकि आज है हमारे आरिस का बर्थडे और काफ़ी स्पेशल डे है भाई। तो आज हमारे आरिस का बर्थडे है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है उनके उसके मम्मा पापा को और हमारे घर वालों को, सब सबको मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी है गाइस। तो काफ़ी इंजॉय करेंगे और काफ़ी मज़े करेंगे आज। और अभी थोड़ी बहुत देर में हम जाने वाले हैं, मतलब घर से देखते हैं अभी कौन कौन जाता है, अभी तो ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन कौन जाएगा वहाँ पर आरिस के घर पर। तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे, मैं तो जाऊँगा ही और शायद देखो रूबी साहब अभी जाए। सो गाइस मतलब उसके लिए कल खिलौने भी आए हैं, काफ़ी चीज़ें आई हैं, चॉकलेट आई हैं, तो वो चीज़ें भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस, और अभी थोड़ी बहुत देर में हम जाएंगे वहाँ पर, तो अभी रेडी भी होना है फिर जाएंगे गाइस। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या खिलौने आए हैं उसके लिए और क्या चॉकलेटें आई हैं। तो दिखाइए रूबी। सो यहाँ पर देखिए ये है साइकिल उसकी, ये साइकिल है और ये हमारे आरिस के लिए देखिए ये बिस्किट आया है, ये बिस्किट और ये टॉफी इसमें और तुम्हारी डेयरी मिल्क, ये कौन सी है मेलोडी और ये कपड़े हैं उसके, है ना। और ये कपड़े आए हैं गाइस, ये कपड़े और उसमें खिलौने हैं और ये साइकिल आई है तो जो काफ़ी अच्छी है, मतलब चलने में भी उसको बढ़िया लगेगी। और ये देखिए उसकी गाड़ी, ये गाड़ी आई है और ये है उसका खिलौना, ये उसका खिलौना, ये भी बहुत अच्छा है भाई। Oh my God! Wow! ये भी अच्छा है, इसकी तो आँख गायब हो गई है, अच्छा मतलब वो वैसे स्टिकर लगा हुआ है। हाँ और ये दिखा, ये दिखाइए और ये बॉल है जो, हाँ ये तो बज नहीं रही है, हाँ ये बज रही है, ये तीनों बॉल है उसकी और ये टम्पू है, ये चलाया करेगा और पैसे भी कमाया करेगा ये, ये ऑटो से तो हाँ थोड़ी इनकम भी करेगा भाई, तो बढ़िया भाई। ये सारे खिलौने, एक और भी दो क्या, और ये थर्मस है, जब वो स्कूल जाया करेगा तो पानी पिया करेगा इसमें, अच्छा ये लेके जाएगा, ये थर्मस है, जगह जग सा लग रहा है थोड़ा, है ना। हाँ और ये उसका मतलब खिलौना ही है एक तरह से, इसमें पानी पिया करेगा, अच्छा है ये भी। सो गाइस काफ़ी बढ़िया खिलौने आए हमारे आरिस के और बहुत सारे खिलौने हैं, मतलब ठीक है और भी लोग देंगे। और सो अभी हमें खाने पीने की और भी चीज़ें खरीदनी है अपने आरिस के लिए और फिर उसके बाद मतलब अभी तो हम रेडी होंगे गाइस और अभी निकलेंगे, फिर वो जो सामान लेना है वो रास्ते में से ही ले लेंगे, जो भी सामान लेना है। अभी रूबी साहब यहाँ रेडी हो रही है, फिर उसके बाद मैं भी रेडी हो जाऊँगा और रेडी होकर फिर निकलते हैं गाइस और फिर वहाँ पर जाकर इंजॉय करेंगे और देखेंगे हमारा आरिस आज मतलब कैसा लग रहा है कैसा। और अभी उसकी वीडियो कॉल आई थी तो अभी मतलब ऐसे ही था, नया धोया नहीं था, तो मतलब अभी रेडी होगा वो भी और फिर उसके बाद देखते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा भाई। सो एक साल का हो गया हमारा आरिस, 1 ईयर का हो गया, तो काफ़ी खुशी है उसके मम्मा पापा को भी और हमको भी गाइस। तो चलिए रेडी होते हैं फिर उसके बाद निकलते गाइस, तो मिलते हैं आपसे आगे। सो गाइस अभी आपका भाई हो गया है रेडी और रूबी साहब अभी रेडी हो गए हैं और बस थोड़ा बहुत टाइम और लगेगा हमें निकलने में, तो बस निकलने वाले हैं। और आपका भाई कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना भाई। कमेंट करके जरूर बताना। अब बस मुझे जूते पहनने हैं, तो अपने जूते ऊपर मैंने धो के डाल लिए थे तो उनको लेते हैं और पहनते हैं, फिर उसके बाद वो भी तैयार होके और फिर निकलते हैं गाइस। तो जूते लेने चलते हैं ऊपर, तो चलते गाइस ऊपर जूते लेने के लिए। सो रहे मेरे जूते, ये रखे भाई, धूप तो बहुत तेज है, सूख गए ना।
हाँ सूख गए, थोड़े बहुत रह गए। तो चलिए नीचे चल के पहनते हैं गाइस इनको, नीचे चल के पहन। सो अभी हमने जूते भी पहन लिए और चलिए गाइस निकलते हैं। कैसे लग रहे हो जूते बताना भाई कमेंट करके। तो चलिए गाइस निकलते हैं फिर। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand. So finally guys हमारे इसके घर पे पहुंच चुके थे। ये घड़ी उसकी गाड़ी और गाइस सामने वाला घर उसी का है। तो चलिए गाइस एंट्री लेते हैं अंदर भाई। और जैसे ही हम लोग अंदर आए तो अपनी नानी के खिलौने से खेलने लगा हमारा आरिस और बड़ा खुश हो रहा था भाई। अपनी नानी के खिलौने को देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही। बेड पे बैठ के भी उस खिलौने को छोड़ नहीं रहा था, मतलब बेड पे भी भाई वो खिलौना रखना पड़ा। जब जाकर चुप हुआ तो मैंने पूछा बाबू अच्छा लगा, तो भाई बड़ा खुश हो रहा था, बड़ी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था उसका। तो भाई बोल रहे थे कि ये चला नहीं पाएगा और पता नहीं दिक्कत होगी ये चला नहीं पाएगा। तो मैंने पूछा बाबू तू चला नहीं पाएगा, ऐसे चला लेगा? तो बड़ा खुश होकर बताया हाँ चला लूंगा चला लूंगा। तो बहुत ही ज्यादा खुशी थी भाई उसको। तो उसकी नानी ने उसको गिफ्ट दिया, तो वो भी अपनी नानी को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता है। डांस करके दिखाएगा हमारा आरिस अपनी नानी के लिए। तो यहाँ पर देखिए डिंक चिकर डिंक चिकर डिंक चिकर डिंक चिकर ए ए ए ए ए ए, यहाँ पर हमारे आरिस ने अपनी नानी के लिए डांस किया। ये हमारा आरिस और ये है फिजा जो आरिस की बुआ की लड़की है, काफी क्यूट लगती है भाई। तो 3-4 बजे के टाइम पे हम लोगों ने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी और ये आरिस के चाचू है जो हमारे साथ डेकोरेशन करवा रहे हैं भाई। और भाई फुला रहे हैं सारे गुब्बारों को, मतलब जितने भी गुब्बारे लेकर आए हैं भाई तो सारे गुब्बारों को एक साथ फुला ले रहे हैं भाई। तो काफी गुब्बारे फूट भी गए हैं भाई, तो किसी न किसी नुकीली चीज में लगकर बहुत सारे गुब्बारों का नुकसान हो चुका है भाई। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने काम बांट लिया, ये झल्लर मुझे लगानी है, कागज की भी झल्लर है वो भी मुझे लगानी है और सोनू भाई लगा रहे हैं आरिस के चाचू, मतलब बलून लगा रहे हैं एक साथ बांध के 3 बलूनों को और दीवार पे चिपका रहे हैं टेप के द्वारा गाइस। सो ऐसे करके हमारी डेकोरेशन सबके साथ और कंप्लीट हो गई भाई। तो यहाँ पर कंप्लीट डेकोरेशन को देखिए भाई, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है ब्लैक में और यहाँ पर स्टार लगा दिया भाई और गुब्बारों से पूरा रूम भर दिया। और हार्ट वाला जो गुब्बारा था वो टीवी के ऊपर लगा दिया, मतलब आई लव यू लिखा था भाई उस पर, बहुत ही अच्छा लग रहा था वो तो। और भाई मस्त पूरा रूम इतने अच्छी तरीके से सज गया और गुब्बारे भी काफी अच्छे लग रहे थे, ब्लैक और व्हाइट और तुम्हारा गोल्डन, काफी अच्छा लग रहा था भाई। तो 8 बजे के टाइम पे हमारे आरिस का हुआ केक कट। तो भाई केक कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और हमारे आरिस जैसे छोटे छोटे टैडी भी बने हुए हैं केक के ऊपर, तो काफी अच्छा लग रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया और कलर भी बहुत अच्छा है। तो एक कैंडल थी जिसमें हैप्पी बर्थडे का साउंड बज रहा था जो केक के सबसे ऊपर लगी हुई थी और भाई बहुत बड़ी कैंडल थी। तो हमारा आरिस कैसा लग रहा है कपड़ों में बताना भाई। और टोपी तो भाई फाड़ दी, तो भाई ने ताज लगाया, तो ताज भी उतार कर फेंक दिया भाई, केक काटो और केक खिलाओ मुझे, ये बोल रहा था भाई। तो भाई और सब लोग आए हमारे आरिस के बर्थडे। तो लास्ट वाला गुब्बारा फुला रहे थे सोनू भाई जो केक के ऊपर लगाया जाता है गाइस। तो गुब्बारा फुलाते पर उसके बाद करते हैं भाई केक कट। तो आप भाई लगा रहे थे यहाँ पर कैंडल और सारी कैंडल जला दी थी भाई। सो अच्छी तरीके से भाई उसके हाथ में छुरी जैसे ही पकड़ाई तो छुरी फेंक दी, फिर से भाई ने पकड़ाई, फिर उसके बाद किया केक कट। तो केक कट जैसे ही करने वाले थे गाइस तो उस भाई ने एक कैंडल जलाई जिसमें से थोड़ा सा विस्फोट निकला जिससे भाई भी बच गए और भाई के पापा भी बच गए जो आंख में लग जाता भाई। सो कोई नहीं गाइस ऐसा होता रहता है। तो हमारे आरिस ने जितनी देर केक कट हुआ उतनी देर तो उसके सिर पर टोपी लगी रही और जैसे ही केक कट हो गया भाई तो टोपी उतार कर नीचे फेंकी और बोल रहा था भाई केक खिलाओ मुझे और भाई जाने दो। सो भाई इसको केक खिलाने की बहुत ही जल्दी पड़ती है, मतलब किसी भी चीज़ को खाने की बहुत ही जल्दी पड़ती है। तो सब लोग भाई देख रहे थे और हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे, तो खुश हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। और भाई जैसे ही केक थोड़ा सा उसे खिलाया तो खुश हो गया भाई। तो सेलिब्रेशन होने के बाद हम हो गए लेट, तो हम रात में निकले नहीं गए, 10 बज चुके थे तो हम सुबह निकले गए। तो सुबह अपनी मम्मा के साथ मिलकर हमसे बाय बाय कर रहा था, मम्मा उसकी बोल रही थी बाय बाय कर दे मामा से और
और खाला से सबसे बाय बाय कर दे, तो बाय बाय कर रहा था भाई सबसे, और भाई बड़ा मतलब ऐसा हो रहा, चेहरा ऐसा कर लिया था, हम लोग आ रहे थे तो बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब सा चेहरा कर लिया था। तो चलते हैं घर पर। सो गाइस रात को तो बाजी के घर से नहीं आ पाए थे क्योंकि काफी लेट हो गए थे और थोड़ा खाना पीना हुआ उनके यहाँ पे और केक कट हुआ, तो काफी लेट हो गए थे गाइस, तो हम रात में नहीं आ पाए थे। तो सुबह के टाइम हम लोग आए, तो भाई सुबह मतलब रात को भी काफी लेट सोए थे, 12-1 बज गए थे, मतलब 12 बजे 1 बजे तो हमारा आरिसी सोया था भाई, जो 9 बजे 10 बजे सो जाता है, तो भाई काफी टाइम हो गया था उसको ही, तो उसकी वजह से सब लोग जगे रहे, तो काफी हम लोग भी लेट हो गए थे सोने में, और सब लोग तो थे इस चक्कर में इंजॉय किया तो सो नहीं पाए सब लोग। फिर उसके बाद गए मतलब सुबह के टाइम हम लोग आए, तो मैं तो पूरे दिन भाई सोता रहा, तो अभी उठ कर आया, तो मैंने सोचा यार कम से कम ब्लॉग का एंड तो कर लेते हैं। सो भाई मतलब फिर मैं छत पर आया तो मैंने कि चलो ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। सो गाइस ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और गाइस ब्लॉग में काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने, काफ़ी मतलब रूम सजाया, बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा भी आया वहाँ पर। सो गाइस ब्लॉग को यहीं तक एंड करते हैं ब्लॉग का यहीं पर, और गाइस ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों को। सो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और जल्दी ही एक और नए ब्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे गाइस। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरे न्यू ब्लॉग जो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाए गाइस। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।